جنگِ احد کا واقعہ سن لو۔ سناتا ہوں تمہیں جنگِ احد کا واقعہ سن لو۔ ہوا ہے کیسے باطل اور حق کا مار کا سن لو۔ ہوا ہے کیسے باطل اور حق کا مار کا سن لو۔ حضرات سماعت کیجیے گا، یہ جنگ احد کا پہلا بند۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جنگ بدر تھوڑے سے مسلمانوں نے کس طرح سے جیت لی تھی، اور اس جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا اور کئی سردار مکے کے مارے گئے تھے۔ ایک شیر دل عورت جس کا نام ہندہ تھا، اس کا پدر اور پسر دونوں ہی اس جنگ میں مارے گئے تھے، لیکن اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں جب تک بدلہ نہیں لے لوں گی حضرت امیر حمزہ سے، جب تک نہ تو کوئی سنگار کروں گی اور جو ایش و عشرت کا سامان ہے کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تو لیجئے سماعت کیجئے گا یہ پہلا بند اور غور فرمائیں۔ ہوئی جو جنگ پہلی بدر میں کافر اسے ہارے، ابو جہل اور کئی سردار مکے کے گئے مارے۔ تھی ایک مکے میں عورت شیر دل اور کینا پرور تھی، تھا اس کا نام ہندہ نام ور، عتبا کی دختر تھی۔ ابو سفیان کی بیوی تھی وہ چالاک عورت تھی، محمد اور خدا کے نام سے اس کو عداوت تھی۔ مسلمانوں سے پہلی جنگ کو ابو جہل پہنچا تھا، مقام بدر پہ جا کر نہتوں پہ کیا حملہ، گیا وہ خود بھی مارا اور بہت سردار کام آئے۔ نہ دولت کام آئی اور نہ کچھ ہتھیار کام آئے، وہ جنگِ بدر تھوڑے سے مسلمانوں نے جیتی تھی۔ رسول پاک بھی تھے ساتھ میں، امداد غیبی تھی۔ پسر بھائی پدر ہندہ کے بھی تینوں گئے مارے، مسلمانوں کی نفرت کے بھرے تھے دل میں انگارے۔ برادر بدر میں اس کا علی حیدر نے مارا تھا، پسر اور باپ کا حمزہ نے دھڑ سے سر اتارا تھا۔ تمامی اہل مکہ سب مسلمانوں سے بدزن تھے، خصوصاً کملی والے مصطفیٰ کے سخت دشمن تھے۔ بدی تھی ان کی نیت میں وہ گویا ناگ کالے تھے، اصول انسانیت کے سب انہوں نے توڑ ڈالے تھے۔ قسم کھائی تھی ہندہ نے کہ اب بدلہ چکاؤں گی، کلیجا اور جگر حمزہ کا دانتوں سے چباؤں گی۔ نہ لوں گی بدلہ جب تک عیش کے سب کار چھوڑوں گی، نہ لوں گی بدلہ جب تک عیش کے سب کار چھوڑوں گی۔
उतारूंगी न गुस्ल अपना सभी सिंगार छोड़ूंगी। नफरत की ज्वाला बल पड़े सबकी जबीनों में, गई घर घर कहा अब बद्र का बदला लिया जाए, मुसलमानों का दुनिया से सफाया कर दिया जाए। किया हिंदा ने घर घर जाके चंदा हर कबीले से, हुई दौलत इकट्ठी जंगे मगलूबा के हीले से, बने हथियार आला और खरीदे ऊंट घोड़े भी, सिरा और फौद पत्थर गुर्ज दस्तानों के जोड़े भी, खरीदे चार आईने कमंदे और जंजीरें, कमाने तीर नेजे सैफ ढाले और शमशीरें, सभी के दिल में जोशे जंग था लड़ने का अरमा था, अबू सुफियान सारी कौम में सबसे नुमाया था, वही था जुल्म का बानी वही सरदार था सबका, वही सरदार था सब में वही सालार था सबका, किया ये उसने वादा जंग में जो मारा जाएगा तो उसके बाल बच्चों को अबू सुफिया खिलाएगा, जो थे नादार उनके घर दिया खाने पकाने को, कहा तैयार हो अब दीन अहमदी के मिटाने को, जो मारेगा मोहम्मद को अली को और हमजा को, तो मैं सरदार कर दूंगा उसे उसके कबीले को। अबू सुफियां उधर तैयार करता था रिसालों को, अबू सुफियां उधर तैयार करता था रिसालों को, भरोसा था इधर अल्लाह पर अल्लाह वालों को, से कहता है कि जो भी मोहम्मद अली और हमजा को मारेगा इस जंग में तो मैं उसको जरदार कर दूंगा, लेकिन अबू सुफियां उधर तैयार करता था रिसालों को, भरोसा था इधर अल्लाह पर अल्लाह वालों को। आगे क्या होता है सुने। रसूल पाक ने जब मक्के वालों की खबर पाई, जमात आपने सब मस्जिद नबवी में बुलवाई, कहा लोगो अबू सुफियान नए फितने उठाता है, मुसलमानों से करने जंग लश्कर लेके आता है, वो जालिम फौज लेकर फिर दोबारा जंग करने को मदीने की तरफ
आता है तुमको तंग करने को। बहुत भारी है लश्कर फौज के कट्टर रिसाले हैं, करो तैयारियां तुम भी के वो जल्द आने वाले हैं। मदीने ही में रहकर रोकना है काफिला उनका, के मजबूरी जो देखे लौट जाए काफिला उनका। सरों पे उनके जिस दम गाजियों के तीर बरसेंगे, तो फिर कैसे लड़ेंगे शहर में घुसने को तरसेंगे। जवानों ने कहा हम लड़ने मरने से नहीं डरते, रहे क्यों शहर में जब जंग करने से नहीं डरते। कोई बोला नहीं है जंग करने का हुनर तुम पर, तो बोले नौजवान पाई पता फिर बद्र में क्यों कर। बहुत थोड़े थे पहले अब मुसलमान कुछ ज्यादा हैं, रहे वो शहर के अंदर के जिनके काम इरादा हैं। गरज दो राय देखी तो कहा सरकारे आली ने, तुम्हें चक्कर में डाला है तुम्हारी खाम ख्याली ने। सुनो सब लोग सोचो खूब अपना मशवरा कर लो, सुनो सब लोग सोचो खूब अपना मशवरा कर लो। जो अक्सरियत का मंशा हो उसी पर फैसला कर लो, पाक सबसे कहते हैं कि सब लोग मस्जिद नबवी में आ जाएं और मशवरा कर लें कि अब क्या किया जाए। तो कुछ लोग बोले कि जब हम जंग बदर जीत चुके हैं तो फिर इस जंग के लिए हम शहर में रहकर नहीं बल्कि शहर से बाहर जाकर उन लोगों का मुकाबला करेंगे। जब रसूल पाक ने दो राय देखी तो कहा कि आप लोग पहले फैसला कर लें, जो अक्सरियत का यानी जो ज्यादा लोगों का फैसला होगा वही तस्लीम किया जाएगा। तो सुने क्या होता है। रसूल अल्लाह ये कहकर ले गए तशरीफ हुजरे में, के ता सब लोग आजादी से अपना मशवरा कर लें, के उनमें कुछ मुनाफिक कुछ अभी ईमान लाए थे, अभी रन भी न देखा था न तन पर जख्म खाए थे। इसी बाइस तजर्बा कारों की हर बात रद्द कर दी, कहा बाहर लड़ेंगे हम दिखाएंगे जवां मर्दी। हुआ ये फैसला कसरत का निकले शहर से बाहर, नहीं कमजोर तो फिर क्यों रहे हम शहर के अंदर। मुदब्बिर लोग थे कमराए अक्सरियत ने जब टाली, तो फिर आका ने भी मंजूर सबकी राय फरमा ली। जो पहने जंग के मलबूस और हथियार आका ने, तो रोकर बादब ये अर्ज की उस दम साहबा ने, कि ये सरकार क्यों ये जेब तन हथियार और कपड़े अभी मौजूद है हर जंग को कादिम ये आका के। कहा सरकार ने मंजूर है कसरत की अब अर्जी, चले अब शहर से बाहर यही है सबकी जब मर्जी। जरूरत आएगी मुझको भी लड़ने की ये लगता है, जो होना है वो होगा इसमें रोने का सबब क्या है। न
नबी ये पाक जाबाजों को लेकर शहर से निकले। ओहद की एक पहाड़ी के करी पहुँचे, वहीं ठहरे। लगाए अपने खेमे हे सरकार, लेकिन रात भर रब की इबादत में। मैदान में आए न सब खेमे किए, खेमों में उम्दा फर्श बिछवाए। बहुत सामान था उन पर, अजीम शान लश्कर था। शराबे पी रहे थे और हुबल का नाम लब पर था। बहुत सी औरतें जज्बात भड़का नेको आई थी, मुसलमानों का कत्ले आम करवा नेको आई थी। अबू आमिर ने रातों रात कुछ खंदक भी खुदवाए, किए खशपोश खंदक ताके जो आए वो गिर जाए। हुई जिस दम सहर तो दी अजा अल्लाह वालों ने, नमाज़े बाजमात की अदा रोशन ख्यालों ने। इमामत की रसूले पाक ने तात गुजारों की, बलाएं रहमतों ने ली नबी के जानिसारों की। किया सबको मुखातिब हादिये आलम ने फरमाया, सुनो अब गौर से अबू मारने मरने का वक्त आया। जिहादे फी सबीलिल्लाह से शाने मुसलमान है, जिहादे फी सबीलिल्लाह जाने दीन ईमान है। खिलाफे कायदा कोई अमल मत जंग में करना, किसी लालच में आकर फर्ज की राहों से मत हटना। पड़े कैसी ही मुश्किल जंग में लेकिन न घबराना, खुदा की राह में लड़ते हुए कुर्बान हो जाना। शहादत मिलती है बेशक बड़ी तकदीर वालों को, शहादत मिलती है बेशक बड़ी तकदीर वालों को। शहादत एक नेमत खास है रोशन ख्यालों को, कहते हैं कि 50 इंसान जो सामने टीला दिख रहा है उस पर चढ़ जाएं,
चारों तरफ को अपनी नजर रखें और जब तक मैं ना कहूं कोई भी उस पहाड़ी से नीचे नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है आगे सुने। 50 इंसान जाए सामने टीले पे चढ़ जाए, पहाड़ी पर रहे हर सूनी गाहे अपनी दौड़ाए, कोई ऊपर चढ़े दुश्मन तो उस पर तीर बरसाना, न जब तक हम कहें नीचे पहाड़ी से नहीं आना। अबू सुफियान जब मैदान में लश्कर को ले आया, सफ़ें तैयार की और अफसरों को खूब समझाया, इधर सरकार ने सफबंदी का जब हुक्म फरमाया, तो अब्दुल्लाह इब्ने उब्बी लश्कर से निकल आया, निकाले 300 अपने जवाब बोला पैगंबर से, बड़ी नादानी है लड़ना अजीम शान लश्कर से, है दुश्मन 10 गुना ज्यादा हमें जिंदा न छोड़ेगा, कोई क्यों जान कर पत्थर से अपने सर को फोड़ेगा, लगा कहने मुसलमानों से समझो मेरे मकसद को, मेरे हमराह आओ जंग करने दो मोहम्मद को, ये फरमाया उमर ने जुर्म तेरा ला तलाफी है, तुझे जाना है जा हमको नबी का साथ काफी है, तेरे बहकाए में मर्दूद हम हरगिज न आएंगे, नबी के हुक्म पर जी जान से कुर्बान जाएंगे। नबी बोले मुनाफिक की यही पहचान, गरज होती नहीं ईमान से प्यारी जान होती है, आप जंगे उहद का सुन रहे हैं। जब सरकार ने ये कहा कि 50 आदमी ऊपर चढ़ जाएं और जब तक हम ना कहें नीचे ना आए, तो अब्दुल्लाह इब्ने उब्बी ये कहकर कहता है कि इतने बड़े लश्कर से लड़ना हमारी हिमाकत है, हम तो लड़ नहीं सकते, जिसको मरना है वो यहां रुके, मैं तो जाता हूं। हुजूर सरवरे कायनात के गाजी हजरत उमर ने कहा गया मर्दूद तुझको जाना है तू चला जा, लेकिन हमें तो नबी का साथ ही काफी है। हुजूर फरमाते हैं कि देखो मुनाफिक की यही पहचान होती है, ईमान से मतलब नहीं बल्कि उसको अपनी जान प्यारी होती है। उसके बाद वो मर्दूद मुनाफिक अपना शाना हिलाता हुआ चल देता है और आगे क्या होता है सुने। मुनाफिक चल दिया सुनकर हिलाता अपने शानों को, गया हमराह लेकर 300 अपने जवानों को, इधर अब 700 गाजी रहे मैदान में आका के, उधर थे 10,000 अफराद नामी फौज आदा के, सभी को नाज था मगरूर थे वो अपनी ताकत पर, नहीं फूले समाते थे पहलवानों की कसरत पर, इधर इस्लाम का लश्कर भी कायम था करीने से, ये लश्कर क्या नमाजी आ गए थे बस मदीने से, बहुत से नौजवान और ना तजर्बाकार थे उनमें, सईफुल उम्र भी कुछ आशिक सरकार थे उनमें,
नबी के हुक्म की तामील करना उनका मकसद था, डटे रहना खुदा की राह में हुक्म मोहम्मद था। ये फरमाया नबी ने मौत से हरगिज न तुम डरना, जवां मर्दी से लड़ना, पेशो कम की फिक्र मत करना, अमा मांगे जो तुमसे उसको तुम बिलनारू मत करना, ज़ईफों औरतों पे बेकसों पे बारू मत करना। नबी समझा रहे थे तो वो मुशरिक और बढ़ आए, अबू आमिर ने सबके साथ पत्थर खूब बरसाए, सफों में आके जब गिरने लगे फेंके हुए पत्थर, तो देखा गाजियों ने भी बस हुए शाहे पैगंबर। नबी ने भी इजाजत अपने परवानों को जारी की, जवाबन अहले ईमान ने भी उन पर संग बारी की, चिल्लाकर न ठहरे मक्के वाले चोट खाकर हट गए पीछे, लगा जिसके भी पत्थर नाक पर वो गिर पड़ा नीचे, निदामत भी हुई और तैश भी आया हजीमत से, अलम्बरदार तलहा चीखता निकला जमात से, कहा कोई बहादुर हो तो मेरे सामने आए, जो मरना चाहता हो वो मकाबिल मेरे आ जाए, मैं दीन इस्लाम को अब फूलने फलने नहीं दूंगा, के अनदेखे खुदा की राह पर चलने नहीं दूंगा। ये सुनकर हो गए बेचैन हैदर जोश में आए, रसूल अल्लाह से बोले अब इजाजत मुझको दी जाए, जवाब उनको मिला जाओ अली तुमको इजाजत है, खुदा पर आसरा रखो उसी के हाथ नुसरत है। करीबे तलहा जब पहुंचे अली से बोला नरमी से, बिरादर तुम नहीं वाकिफ मेरी ताकत की गर्मी से, अभी क्यों आ गए आलम है तुम पर नौजवानी का, अली बोले नहीं ये वक्त भेजा लंतरानी का, तेरी ताकत की गर्मी को अभी हम देख लेते हैं, मगर हम इससे पहले मशवरा एक तुझको देते हैं, कि तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम, तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम, कि तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम, नहीं तो वार कर तेरा तकबूर तोड़ देंगे हम, वार कर तेरा तकबूर तोड़ देंगे हम, तोड़ देंगे हम।
हजरात, इस जंगे ओहद में बहुत ही शानदार तरीके से शौक साहब ने अल्फाजों को पिरोया है। जब तलहा ये कहता है कि कोई है तो मेरे मुकाबिल आए, ये सुनकर हज़रत अली बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए। लेकिन तलहा कहते हैं कि अभी क्यों आ गए, आलम है तुम पर नौजवानी का। अली बोले, नहीं ये वक्त बेजा लंतरानी का, तेरी ताकत की गर्मी को अभी हम देख लेते हैं, मगर हम इससे पहले मशवरा एक तुझको देते हैं कि तू ईमान ले आ मुस्तफ़ा पर, छोड़ देंगे हम, नहीं तू वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। लेकिन अली की ये बात सुनकर क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। अली की बात सुनकर खींच ली तलवार तलहा ने, अली पर कर दिया एक बार ना हंजार तलहा ने। अली शमशीर जन थे, खा नहीं सकते थे वो धोखा, जवा मर्दी से उस तलवार को तलवार पर रोका। खिलाड़ी था बड़ा तलहा बराबर वार करता था, खुदा का शेर भी हर वार को बेकार करता था। कज़ा में साज सा बजने लगा था झंझनाहट से, हुआ दीवाना तलहा तैश खाकर बौखलाहट से। उधर दोनों तरफ के लश्करी नजारा करते थे, इधर मैदान में दोनों बड़ी जुरत से लड़ते थे। लड़ाई में बड़ी फुर्ती से तलहा काम लेता था, संभलने का अली को वो जरा मौका न देता था। मगर एक बार उसका वार खाली दे दिया हटकर, बड़ी फुर्ती से मारी तेग अपनी तलहा के सर पर। अली की जुल्फिकार उठी तो आंखें हो गई खीरा, किए मगफर के टुकड़े सर से लेकर ताहलक चीरा। सदा एकदम से गूंजी उस घड़ी अल्लाह अकबर से, सुना पुरजोर नारा गाजिया ने दी के लश्कर से। पैगंबर की जुबा पर कलमाए शुक्रे खुदा आया, उधर दुश्मन का लश्कर देख कर ये हाल घबराया। हुए थे चेहरे फक मक्के के सब फौजी रिसालों के, हुए थे चेहरे फक मक्के के सब फौजी रिसालों के। खुशी से खिल उठे चेहरे सभी अल्लाह वालों के, तोड़ देती है। ये देखकर मुखालिफ फौज में एकदम घबराहट पैदा हो जाती है, सभी के चेहरे फक हो जाते हैं। लेकिन इधर सभी अल्लाह वालों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। उसके बाद क्या होता है जरा सुनिएगा। गिरा तलहा पर है ना हो के तड़पा हो गया ठंडा, अली ने तंधका उसका उसी का डाल कर झंडा। पता पाकर अली आए तो आका को सलामी दी, नबी ने उनको सीने से लगाया शाद कामी दी। फिर उसके बाद मैदान में अबू शैबा निकल आया, बिरादर था वो तलहा का बड़े गुस्से में बल खाया। पुकारा मैं अलम बरदार हूँ कोई
मकाबिल हो, शहादत मुझसे पाए और वो जन्नत में दाखिल हो। इजाजत हमजा ने चाही शहनशाह दो आलम से, कहा ललकार दुश्मन की सही जाती नहीं हमसे। इजाजत मिल गई हमजा को तो मैं दान में पहुंचे, अबू शैबा जहां था उस जगह एक आन में पहुंचे। अबू शैबा ने हमजा से कहा तू आ गया रन में, खुशी होगी मुझे पहुंचाऊंगा मैं तुझको मदफन में। हमारे नाम पर सरदार मारे बद्र में तूने, बहाए हैं लहू के खूब धारे बद्र में तूने। किया बर्बाद घर हिंदा का अब तू बच न पाएगा, तू बूढ़ा है जवां हूं मैं मजा क्या खाक आएगा। ये कहते ही अचानक उसने नेजा तान कर मारा, उन्होंने जंगे हमजा से नहीं वाकिफ था बेचारा। चचा थे हमजा प्यारे मुस्तफा के मर्द गाजी थे, चचा थे हमजा प्यारे मुस्तफा के मर्द गाजी थे। पराए दीन उनके कारनामे इम्तियाजी थे, अबू शैबा कहता है तो फिर हजरत अमीर हमजा हमारे आका से इजाजत चाहते हैं। कहते हैं कि दुश्मन की ललकार या रसूल अल्लाह हमसे नहीं सुनी जाती, आप इजाजत दे दीजिए। तो अबू शैबा ने हमजा से कहा तू आ गया रन, तूने हमारे नाम पर सरदार बद्र में तुम आ रही है, हिंदा का घर बर्बाद कर दिया है और तू फिर लड़ने आ गया, आज तू हमारे हाथ से बच नहीं सकता। तू बूढ़ा है मैं जवान, क्या मजा आएगा लड़ाई का। ये कहते ही उसने अचानक एक नेजा जो तान कर मारा, लेकिन हजरत अमीर हमजा ने अपना फनून जंग दिखाया। ये कौन थे? चचा थे हमजा प्यारे मुस्तफा के मर्दे गाजी थे, बराए दीन उनके कारनामे इम्तियाजी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। जनाबे हमजा ने नेजा पकड़ कर एक दिया झटका, गिरा हाथों से नेजा तो उसे एकदम हुआ खटका। कहा हमजा ने मत घबराइए तलवार ले लीजिए, बुढ़ापे पर हमारे रहम जर्रा भर नहीं कीजिए। ये सुनकर और गुस्से में भरा जालिम अबू शैबा, निकाली म्यान से तलवार तनकर सामने आया। इधर हमजा ने भी शमशीर अपनी हाथ में तोली, अबू शैबा ने बदला पैतरा फन की गिरा खोली। अचानक कर दिया हमजा पे फिर तलवार से हमला, किया हमजा ने उसका रद नए इतवार से हमला। लिया तलवार पे तलवार को तलवार फिर मारी, रहा दस्ते मुखालिफ में फकत दस्ता थी बेजारी। अबू शैबा के मुंह पर एकदम से छा गई सर्दी, लगा कहने ताज्जुब है कि बूढ़े में जवां मर।
मार दी। बचा कर जा अबू शैबा ने एकदम भागना चाहा, जो दस्ता हाथ में था वो रुखे हमजा पे दे मारा। बचाया उसको भी हमजा ने मारी तेब शैबा के, तो सर के और धड़ के दो बराबर हो गए टुकड़े। ये हालत देख कर फौरन अबू सुफियान ने रुख बदला, कहा एकदम मुसलमानों पे सब मिलकर करो हमला। मोहम्मद की सिपा से लूं तो जीता जा नहीं सकता, मोहम्मद की सिपा से लूं तो जीता जा नहीं सकता। अकेले पर अकेले कोई फतह पा नहीं सकता, अबू शैबा का खात्मा तमाम कर देते हैं। तो फिर ये देखकर अबू सुफियान कहता है कि ऐसे अकेले पे अकेले कोई भी मोहम्मद की फौज पर कब्जा नहीं पा सकता, जीत नहीं सकता। बस एक ही तरकीब है कि हम सब मिलकर इन पर हमला करें। तो ये सुनकर उसकी फौज बड़ी जोश और मसर्रत से आगे बढ़ती है, लेकिन ये मुसलमानों की फौज जो थी इधर, ये किस तरह से लड़ते हैं समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर फौज मक्के की बढ़ी जोशे मसरत से, के सीने में भारी थी आग इस्लामी अदावत से। मुसलमानों ने चाहा इज्म बढ़कर हमला करने का, मगर सरकार ने रोका उन्हें करने दो तुम हमला। मगर जब 10,000 आए पहलवान तीर बरसाते, मुसलमान फिर कहां तक और आखिर सब्र फरमाते। कहा सरकार दुश्मन सर पे आए क्या किया जाए, तो फरमाया रसूले पाक ने बदला लिया जाए। तो फिर अल्लाह वालों ने भी हमला कर दिया उन पर, हुई थी अफगानी बरसात सी होने लगी सर सर। कहा सरकार ने ये फिर दोबारा टीले वालों से, कि तुम होशियार रहना दुश्मना ने दी की चालों से। किसी हालत में भी नीचे पहाड़ी से नहीं आना, पहाड़ी पर चढ़े दुश्मन तो उन पर तीर बरसाना। न तुम लालच में आना भूल कर माले गनीमत के, न तुम चक्कर में पड़ जाना फतह के और हजीमत के। अबू शैबा को जिस दम मार कर वापस फिरे हमजा, तो दुश्मन दौड़ कर आगे बढ़े उनमें घिरे हमजा। मगर जो सामने आया उसे हमजा ने ललकारा, नहीं माना तो फिर पढ़ कर दिलेरी से उसे मारा। रसूल पाक ने ये देख कर ऐलान फरमाया, रसूल पाक ने ये देख कर ऐलान फरमाया, बोले शमशीर मेरी ये अदा कर दे जो हक इसका।
رسول پاک یہ دیکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ وہ میری تلوار لے لے جو اس کے حق کو ادا کر دے۔ یہ سن کر کون آتا ہے رسول پاک کے سامنے؟ حضرت بودھ جانا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تلوار مجھ کو عنایت ہو جائے، میں اس کا حق ادا کر دوں گا۔ تو آگے کیا ہوتا ہے سنیے گا، حضرت بودھ جانا اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ جناب بودھ جانا نے ادب سے عرض کی، آقا عنایت سیف ہو مجھ کو، ادا حق اس کا کر دوں گا۔ رسول پاک نے شمشیر دے دی بودھ جانا کو، کہا لو سیف میری اور تم رن کو روانہ ہو۔ خوشی سے بودھ جانا نے نبی کی تیب کو چوما، کیا اقدام اس جانب، گھرے تھے جس جگہ حمزہ، وہیں تک لڑتے لڑتے جا رہے تھے بودھ جانا بھی۔ مخالف کو ہٹانا مارنا، خود کو بچانا بھی۔ قریب حمزہ پہنچے بودھ جانا تو نظر آیا کہ مقتولوں کی لاشوں کا وہاں ایک ڈھیر سا پایا۔ قریشی فوج ساری آ گئی ان دونوں کے اوپر، تو جب تک غازیان دین کا بھی آ گیا لشکر، بڑا گھمسان کارن ہر طرف تلوار چلتی تھی، جھنا جھن ہوتی تھی اور برق سی رن میں چمکتی تھی۔ کی دستے بودھ جانا میں نبی کی تیغ لاسانی، لگائے ڈھیر لاشوں کے تھی اس کی کاٹ طوفانی۔ رسول اللہ کی شمشیر نے میدان کر ڈالا، چلی جس سمت بھی اس نے بہایا خون کا نالا۔ عمر بوبکر اور عثمان علی حمزہ سبھی بڑھ کر، بڑی جیداری سے لڑتے تھے سب میدان کے اندر۔ لگاتے تھے وہ غازی نارا جب اللہ اکبر کا، لگاتے تھے وہ غازی نارا جب اللہ اکبر کا۔ دہل جاتا تھا دل ہیبت سے اس مغرور لشکر کا، رہے ہیں کہ جب اللہ والے نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتے تھے تو اس وقت ہیبت سے اس مغرور لشکر کا دل دہل جاتا تھا۔ حضرت عمر، ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ سبھی بڑی دلیری کے ساتھ، جیداری کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن ابو سفیان کی بیوی ہندہ ساری عورتوں کو اکٹھا کر کے لے آئی اور اپنے لشکر کو جوش دلاتی تھی۔ پیچھے پیچھے یہ عورتیں ہیں، آگے مرد ہیں۔ تو اس کے بعد جب غازیوں کو یہ دیکھتے تھے مخالف فوج والے تو ان کا جگر پانی پانی ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم 10,000 ہیں اور یہ صرف 700، پھر بھی ہمارے مد مقابل ہیں، لیکن یہ کون تھے؟ یہ غلامان محمد تھے۔ سنیے گا سامعین یہ بند۔ ابو صوفیاں کی بیوی ہندہ ساری عورتیں مل کر، دلا کر جوش مردوں کو بڑھاتی لڑنے مرنے پر۔ بڑے ہی جوش میں بڑھتے تھے وہ سب ظلم کے بانی، مگر جب غازیوں کو دیکھتے ہوتا جگر پانی۔ مجاہد 700 سے کم تھے اس میدان کے اندر، مخالف
मुखालिफ दीन के थे 10,000 अच्छे जवां अफसर। उलामा ने मोहम्मद मुत्तहिद होकर बढ़े आगे, पटा मैदान लाशों से तो दुश्मन दीन के भागे। लगे घोड़े बिदकने दुश्मनों पर कहर टूटा था, गए मारे अलम्बरदार सब गर्दिश ने लूटा था। अबू बकरो उमर मैदान में जिस्म तो बढ़ जाते, उधर सर कट के गिरते पांव दुश्मन के उखड़ जाते। चली उस्मान की तलवार तो घबरा गए दुश्मन, अली के सामने आए वो दो दख पा गए दुश्मन। जनाबे हमजा की तलवार वो जौहर दिखाती थी, बिछा देती थी लाशें वो जिधर भी घूम जाती थी। मुजाहिद था हसी एक हंजला जब वार करता था, तो बढ़ते दुश्मनों के होश वो बेकार करता था। दिखाई गाजियाने दीन ने ऐसी जवां मर्दी कि सारी दुश्मनों की फौज दम में मुंतशर कर दी। जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का। लीजिए हजरात, जंगे उहद वॉल्यूम 1 का ये आखिरी बंद आपकी नजर है। इसके बाद का वाकया आप दूसरी कैसेट में सुनेंगे। ये 2 कैसेट का सेट जंगे उहद के वाकये का है, और इससे पहले आप जंगे खैबर जंगे बदर सुन ही चुके हैं, लिहाजा ये जंगे उहद भी अब आपकी नजर हमने कर दी है। इंशाल्लाह हमारी अगली कोशिश होगी कि आपको जंगे खंदक और फतह मक्का सुनाएं। इंतज़ार कीजिए जंगे खंदक और फतह मक्का इस कैसेट का, और जंगे उहद वॉल्यूम 1 का ये आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा। कैसे अबू बकरो उमर मैदान में जिस सिमत बढ़ जाते, उधर सर कट के गिरते पांव दुश्मन के उखड़ जाते। चली उस्मान की तलवार तो घबरा गए दुश्मन, अली के सामने आए वो दोजख पा गए दुश्मन। जनाबे हमजा की तलवार वो जौहर दिखाती थी, बिछा देती थी लाशें वो जिधर भी घूम जाती थी। मुजाहिद था हसी एक हंजला जब वार करता था, तो बढ़ते दुश्मनों के होश वो बेकार करता था। दिखाई गाजियाने दीन ने ऐसी जवां मर्दी के सारी दुश्मनों की फौज दम में मुंतशर कर दी। जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का। न ठहरा जा सका तो मक्के वाले एकदम भागे, मुजाहिद पीछे पीछे और वो मुशरिक सभी आगे। जो आ जाता था जद में कत्ल होके नीचे गिरता था, फरिश्ता मौत का उन मुशरिकों के पीछे फिरता था। न उनका कोई हामी था न उनका कोई यावर था, फकत झूठे खुदाओं का ख्याली साया सर
पर था। अगर करते वो हिम्मत तो अभी तेदाद काफी थी, मगर ला तो हो बल की याद उनके काम क्या आती। बचा कर जान भागे और बड़ी मुश्किल से बच पाए, हुई ये खैर के गाजी सभी वापस चले आए। मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी, मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी। हाँ, हाँ, मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी। लगाया नारे तौहीद जीती जंग की बाजी, लगाया नारे तौहीद जीती जंग की बाजी, लगाया नारे तौहीद जीती जंग की बाजी। मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी, मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी, मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी। लगाया नारे तौहीद जीती जंग की बाजी, लगाया।